हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विनी वानखेड़े और आप देख रहे हैं news.com। स्वागत है आपका आप ही के अपने शो #Bollywood में, जहां हम आपको बॉलीवुड की सैर कराते हैं और रूबरू कराते हैं फिल्मी सितारों की दुनिया से। तो चलिए फटाफट बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। बात करते हैं श्रद्धा कपूर की, जो जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं शबाना आजमी और जावेद अख्तर की होली सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें। इसी के साथ बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें भारत में लोकसभा इलेक्शन में वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। बॉलीवुड गलियारों में पिछले कई दिनों से आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के शादी करने की चर्चा बनी हुई है। वहीं वरुण धवन और गर्लफ्रेंड नताशा भी शादी की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। इस बीच एक और पॉपुलर एक्ट्रेस की शादी करने की खबर सामने आ रही है और ये एक्ट्रेस है श्रद्धा कपूर। दरअसल श्रद्धा के पेरेंट्स काफी समय से उन्हें शादी करने के लिए कह रहे हैं। पेरेंट्स के कहने पर अब श्रद्धा ने शादी के लिए हाँ कर दी है। खबरों की माने तो श्रद्धा जल्द ही अपने बॉयफ्रेंड रोहन श्रेष्ठा से शादी कर सकती हैं। वो पिछले एक साल से बॉलीवुड के फेमस फोटोग्राफर रोहन को डेट कर रही हैं। वहीं श्रद्धा के वर्कफ्रेंड की बात करें तो वे जल्द ही वरुण धवन के साथ फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D में नजर आएंगी। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। 21 मार्च को देश भर में रंग और उल्लास का त्योहार होली धूमधाम से मनाया गया। बॉलीवुड में भी इस बार होली की धूम रही। इन सब के बीच राइटर जावेद अख्तर और एक्ट्रेस शबाना आजमी की होली की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में जावेद और शबाना की होली की मस्ती देखने लायक है। आप देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल सलवार कुर्ता पहने और सिर पे पगड़ी बांधे शबाना पूरी तरह से होली के मूड में नजर आ रही हैं। रंग और गुलालों के बीच डांस करते हुए वो बेहद खुश नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जावेद अख्तर भी ट्रेडिशनल आउटफिट में पगड़ी बांधे, चेहरे पर गुलाल लगाए एक अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं। बस यही है कि होली जो है आपकी ज़िंदगी में सार भर के लिए रंग भरे और तब तक के जब तक अगली होली आए, फिर अगली बार करेगी। और ये खुशी जो आज होली की है, जो बेफिक्रापन है और ये जो दोस्ती है और जो मोहब्बत है, ये हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहना चाहिए, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होनी चाहिए। जी हाँ जी हाँ जी, ये बहुत खूबसूरत फेस्टिवल है और इसका अपना एक रंग है। दुनिया में बहुत से फेस्टिवल्स हैं लेकिन ये होली जो है, इसका जुनून, इसका पागलपन, इसकी दीवानगी, इसका जो दोस्ताना है और इसके जो जज्बात है वो अलग ही। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। देश में 11 अप्रैल से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बात करें उन बॉलीवुड स्टार्स की जिनका वोटिंग लिस्ट में दूर दूर तक नाम नहीं है, जिनमें बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का नाम भी शामिल है। सबसे पहले हम बात करेंगे अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की। दीपिका डेनमार्क में पैदा हुई हैं। जन्म के तकरीबन एक साल बाद वह भारत आ गई थी, लेकिन उनके पास डेनमार्क की ही नागरिकता और पासपोर्ट है। लोकसभा चुनाव की वोटिंग लिस्ट से अभिनेत्री कैटरीना कैफ का भी नाम गायब है। कैटरीना के पास ब्रिटिश की नागरिकता है, इसलिए उन्हें भी भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आलिया भट्ट के पास भी भारत की नागरिकता नहीं है। उनकी मां बर्मिंघम से हैं और उनके पास ब्रिटिश की नागरिकता है। यही कारण है कि आलिया को भी भारत में वोट देने का अधिकार नहीं। लिस्ट में एक्टर इमरान खान का भी नाम आता है। वह अमेरिका के मेडिसन में पैदा हुए थे। माँ बाप की तलाक के बाद उन्हें कैलिफोर्निया जाना पड़ा, जिसके चलते उनके पास भी अमेरिका की ही नागरिकता है। इसके साथ अक्षय कुमार के पास भी कनाडा की ही नागरिकता है। गौरतलब है कि अक्षय को कनाडा की नागरिकता एक सम्मान के तौर पर मिली है।
तो ये थी बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरें। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए news.com और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल हम फिर मिलेंगे और भी बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरों के साथ।